Auto K Suzuki brings you the monsoon offers. Do visit to grab the deals. और इसमें मुझे लगता है कि चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट
of CCRS and Goa Medical College, इनमें collaboration होना जरूरी है. वही collaboration के लिए चाहे Goa University हो, आयुर्वेदिक College हो, आयुष Institute हो और CCRS हो, इन सभी के बीच में integration रहा तो मुझे लगता है इसका in long run more benefit will get for the people of Goa. इनके लिए इनका फायदा हो जाएगा. और जैसे बताया कि सभी का डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर जो मेडिसिन निकलते हैं और ढेर सारे मेडिसिन इस तरह से आगे आके भी निकल सकते हैं, उसका लॉन्ग रन फायदा सभी लोगों के लिए हो सकता है. इसलिए मैं मिनिस्टर सोनोवाल जी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वी विल डू द रिसर्च ओरिएंटेड इंटीग्रेशन विद द गोवा मेडिकल कॉलेज, विद द गोवा यूनिवर्सिटी, विद आयुष हॉस्पिटल, विद आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी कॉलेज इन द स्टेट. और इन लॉन्ग रन जितने सारे आयुष के अंडर इंस्टीट्यूशन एक जगह पे होंगे, इन सब का इंटीग्रेशन से चलेगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे सभी लोगों को मिलेगा. मुझे खास करके उल्लेख करने पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यानी होम्योपैथी की प्रैक्टिस पूरे ईच एंड एवरी स्कूल में आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. क्योंकि अभी तक मैंने सही में क्योंकि होम्योपैथिक इन चिल्ड्रंस में उनके जिस तरह से उनका प्रमोशन ये सब में ओपीडी से कर रहे हैं, इसलिए आप सभी के डॉक्टर्स का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. और न्यूली सिद्धा एंड यूनानी, इसके बारे में गोवा के लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर सिद्धा डॉक्टर एंड यूनानी डॉक्टर, इनकी रहेगी. क्योंकि हम कैंप करके लोगों के बीच में अवेयरनेस करके लोगों के बीच में किस तरह से जाए, और इसके लिए जो पूरा सहकार्य चाहिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का रहेगा, हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन का, जो आयुष के बाकी सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं उन सभी का भी आपको पूरा सहयोग रहेगा. इससे हम यानी सभी लोगों का हेल्थ किस तरह से अच्छा रख सके, इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे. मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इट इज़ नॉट ओनली द ओपीडी एंड इट इज़ नॉट ओनली द पंचकर्मा, बट इवन दो द रिसर्च इन द सिद्धा, आप लोग सभी यहाँ पे मिल के जो रिसर्च सिद्धा यूनानी होम्योपैथी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी में जो करेंगे, इसका लॉन्ग रन गोवा में जो गोवा बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यहाँ पे हैं, उनके चेयरमैन यहाँ पे हैं, और सभी डॉक्टर्स जो इंटीग्रेटेडली काम करते हैं उनका भी कोलाब्रेशन में आपने किया, तो बाकी सभी डॉक्टर्स यहाँ आके और दो वांट टू डू द रिसर्च, इनके लिए भी ज़्यादा करके सिद्धा और बाकी में रिसर्च कर सकेंगे. हम आपको जो रजिस्ट्रेशन सिद्धा यूनानी नेचुरोपैथी और बाकी सभी आयुर्वेदा होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी इन डॉक्टर का तो रजिस्ट्रेशन गोवा में हमेशा के लिए देते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोर्ड में हम इन डॉक्टर्स को भी जो पास आउट है और जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको भी रजिस्ट्रेशन देंगे, सो दैट कोलाबरेटिवली वी कैन डू द वर्क यानी अच्छी तरह से हम काम कर सकेंगे. मुझे लगता है कि गोवा में एक अच्छी तरह का इंटीग्रेशन एक इस एनवायरमेंट हो जाएगा, और गोवा बहुत ही छोटी स्टेट है, इसलिए हम इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर सकेंगे स्पेशली फॉर द पंचकर्मा असिस्टेंट्स जो यहाँ पे चाहिए, इन यूर कोलाब्रेशन हम वो भी यानी ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे तैयार कर सकेंगे. मजा समेस्त कोयकारांक एक सांगण्याचा की आईच्या घडी त्यांना मी आयुर्वेदा होम्योपॅथी सिद्धा युनानी ही जी ओपीडी रायबंद्रच्या या जुन्या हॉस्पिटलात सुरुवात करता आणि ते भी फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकारच्या आणि श्रीमान भाऊंच्या प्रयत्नात सुरू झाली ही ओपीडी आयच्या गोयच्या सगळ्या लोकांखातीर उघडी जाता, सगळ्या लोकांखातीर खुली जाता, आणि त्याचबरोबर पंचकर्मा ट्रीटमेंटाच्या सहित सिद्धा युनानी सगळे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हांगासर अवेलेबल असतली. त्या खातीर क्रॉनिक डिजीजास असतले, कितलेशेच ॲलोपॅथीची वखदां घेऊन 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 एक एकदा बरे जायना अशें तुमकां दिसता, म्हाका दिसता एकदां आमच्या ह्या रायबंदच्या आयुष हॉस्पिटलांत तुमी येवन एकदां अनुभव घेवपाक कांय हरकत ना. म्हाका दिसता गोंयकार निश्चित रित्या ह्या आयुश्यांतल्या म्हणजे सिद्धा होम्योपॅथी युनानी नॅचरोपॅथी हाजो अनुभव एकदां तरी घेवन पळयतले, आणि तुमकां ज्या पद्दतीची ट्रिटमेंट हांगासर मेळटली ताचो जर तुमी प्रचार आनी प्रसार केलो आसत जाल्यार गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान सगळे पेशंट्स जे हांगासर येवपाक जाय ते हांगासर निश्चित रित्या येतले, आणि चडांत चड लोकां पर्यंत आमी हेचो फायदो घेवपाक शकतले. हांव परत एकदां म्हणजे बींग आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी
गोयच्या बाबतीत आयुर्वेदाच्या बाबतीत गोयात जे दिला तिके बाकी खंयच्याच राज्यात देऊ ना, त्या खातीर समेस्त गोयकारांच्या वतीन ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि आयुष मंत्री सोनोवालजी हांकां खूप खूप देव बरे करू म्हणटा. आणि अशाच पद्धतीन आमच्या गोयात आयुर्वेदाचो आयुर्वेदा आणि आयुष्याच्या सगळ्यो पेती खूप मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप जातल्यो डेव्हलप जावच्यो. आणि देशभरातल्यात विदेशातल्या येऊपी टुरिस्ट सुद्धा या सगळ्या पॅथीकडे अट्रॅक्ट जावचे. आणि आयुष पॅथीतल्या सगळ्या डॉक्टरांक परत एकदा सांगता, भिवपाची गरज ना. तुमकां येदो व्हडलो फोर्स म्हणजे येदी व्हडली पॅथी आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांगासर केल्लें आसताना आणि वर्ल्ड हे मार्केट आतां सांगता आसताना आमच्या आयुष मिनिस्टरान जेन्ना सांगलें 4,00,000,00,000 रुपयांचो मार्केट जेन्ना आमकां जगार उपलब्ध करून दिला, आमकां कितें चूज करपाक जाय हे आयुष डॉक्टरांक कळपाक जाय. म्हाका दिसता आयुष्यातल्यो सगळ्यो पॅथी आमी सेल करपाची गरज आसा. आमी जेन्ना सेल करताले आमी ट्रेडिशनली आमच्या कडेन कोण येतलो काय म्हणून पळयतच बसचेना, तर आमी लोकां पर्यंत वयतले, आमी जगाच्या फाटीर वयतले. सगळ्यात व्हडली संदी आयुष्यातल्या सगळ्या डॉक्टरां खातीर मोदीजीन अवेलेबल करून दिल्या. त्यातील गोयातल्या प्रत्येक आयुष डॉक्टरांक सांगता हेज्या पेक्षा व्हडली संदी म्हाका दिसता आझादीका अमृत कालात जी आमकां मेळ्या ती परत मेळची ना. ह्या संदीचो फायदो सगळ्या आयुष डॉक्टरांनी घेवचो. आणि म्हाका दिसता आयुष पॅथी आमी भारतातल्यान आणि गोयातल्यान जगार वचपा खातीर आमचो सगळ्यांचो फुडाकार आसचो. आणि निश्चित रित्या तुम्ही सगळे जाण ह्या सगळ्या दिल्ल्या आयुष इन्स्टिट्यूटांचो खूप चडांत चड फायदो आपल्या खातीरय करून घेतले आणि लोकां खातीरय करतले इतकी हांव अपेक्षा व्यक्त करतां. आणि आम्ही इंटिग्रेशनच्या अनुसार सगळे जाण खूप रित्यान जर फुडें काम केले जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक जावपी डिजीज आमी बंद करपाक शकतले. लोकांचे आरोग्य सांबाळपाचे म्हणजे आमी जे म्हणटा की लोकांक दुयेंतूच जावचे न्ही, आणि दुयेंत जाता आसत जाल्यार ताका दिनचर्या आणि ऋतुचर्येच्या बाबतीत आमी तांकां शिकोवपाचे. हे जर शिकोवपाक फुडें गेले आसत जाल्यार जावपी वाडट्या दुयेंताचेर आमी कंट्रोल करपाक शकतले. आणि तेच करपाक कारण आमी सातत्यात म्हणटा आयुर्वेदाची प्रॅक्टीस करता आसताना आमी दुयेंत न जावंक दिवप हे आमचे पहिलो उद्देश आसा. आणि तोच उद्देश आमी सफल करपा खातीर सगळ्यांनी वावरुया.